राजस्थान विधानसभा में आज दूसरे दिन खास रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी को राजस्थान की 15वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर सीपी जोशी के नाम का प्रस्ताव पेश किया तो प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने नव निर्वाचित स्पीकर सीपी जोशी को बधाई देते हुए कहा कि उनका सदन से पुराना नाता रहा है और विधानसभा से लेकर संसद तक का पुराना अनुभव है। उम्मीद है कि वह सभी सदस्यों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखेंगे। वहीं सदस्यों का आभार जताते हुए जोशी ने कहा कि विधानसभा नियम और कानून से चलती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित सभी पार्टियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नियम और कानून के तहत कम से कम समय में जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम हो। विधानसभा स्पीकर जोशी ने कहा कि वे अपने पद पर निष्पक्ष ढंग से काम करने का प्रयास करेंगे। पांचवी बार विधायक इस बार ना द्वारा से चुने गए जोशी यूपीए सरकार के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वे वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। 2008 विधानसभा चुनाव में जोशी सिर्फ एक वोट से हार गए थे। बाद में 2009 में लोकसभा चुनाव जीत हासिल कर मनमोहन सरकार में वे पंचायती राज, ग्रामीण विकास, भूजल, परिवहन व राजमार्ग और रेल मंत्री भी रहे। अभी हमें हम लोग बुला रहे हैं कार्यकर्ताओं को विभिन्न लोकसभा क्षेत्र के, उनसे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उनके भावनाओं को समझ रहे हैं, उसके बाद में सब मिलकर के लोकसभा के सदस्यों एक कैंडिडेट के रूप में चयन होगा। हाईकमांड करेगी, हम सब मिलकर के मैदान उतर रहे हैं। हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और कोई आश्चर्य नहीं कि 25 से 25 ही हम जीत रहे हैं राजस्थान का। देखिए, राजस्थान सरकार 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तो देश का पहला मुख्यमंत्री था जिसने ये प्रस्ताव पास किया था कैबिनेट के अंदर में। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को हमने पत्र लिखा, बिना संविधान के संशोधन के राज्यों की असेंबली में आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। संविधान की जो मूल भावना है उसको देख करके हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि 20 साल पहले जो सपना मैंने देखा था उसमें 14% का था, 10% लेके आए हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने भी साथ दिया, सब पार्टियों ने भी साथ दिया और आज देश में माहौल बन चुका है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको भी आरक्षण मिले, ये मेरा मानना है। इसलिए 20 साल पहले हमारी जो सोच थी, हमारी सरकार की, हम सब की, हमारे कैबिनेट की, मुझे तो खुशी है कि जो काम हमने शुरुआत की थी आखिर में वो पार पड़ ही गया है। इस बात का मैं स्वागत करता हूँ। गुजरात सरकार जब तक ऑर्डिनेंस लगी निश्चित हो गया है, नामांकन की एक पक्ष विपक्ष अन्य पार्टियों ने, चाहे वो BSP हो, CPM हो या हमारे हनुमान बोलवाड़ी पार्टी हो और निर्दलीय हो, सब विधायकों ने सर्वसम्मति से उनके पास उनके प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा है, अनुमोदन किया है, तो उनकी जीत तो सुनिश्चित हो ही गई है। अभी ऐसी घोषणा होगी उनकी तो हम लोग विपक्ष विपक्ष के लोग जा करके उनको स्पीकर साहब के चेयर पर बैठाएंगे और एक नई शुरुआत होगी राजस्थान की असेंबली के इतिहास के। विधायक दल की बैठक तो होने की परंपरा रही, हमेशा ही होती है। इस पर भी हम बैठ के तय करेंगे कि राज्यपाल का अभिभाषण जो हो रहा है उसके अंदर वो लोग एक सब लोग मिलकर भाग लें और राजस्थान की जो समस्याएं हैं, पिछली सरकार की कमियां हैं, वो दूर कैसे करें। गुड गवर्नेंस देने के लिए जरूरी है पुरानी सरकारों के कमियों के अनुभवों को हम लोग
ध्यान रख करके फिर आगे बढ़े, जिससे कि हमसे वो गलती नहीं हो। हमारी पार्टी, हमारे मंत्री, मुझसे खुद से या विधायकों से वो गलतियां नहीं हो जो पिछली गवर्नमेंट ने करी है। ये हमारी सोच का अंग है। उसी सोच के साथ में हम लोग पॉजिटिव होकर सोचेंगे। हमारी सोच में कहीं भी नकारात्मकता नहीं मिलेगी आपको। नकारात्मक सोच के साथ में वसुंधरा जी ने जो राज किया, रिफाइनरी, मेट्रो, ब्रॉडगेज, बांध परवन नदी पर, सारी प्रोजेक्ट को उन्होंने चर्चा में नहीं आने दिया राजस्थान में 4-4.5 साल तक, उसका नतीजा उन्होंने भुगता है। हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने टेस्ट टेस्ट कर दिया, बंद कर दिया, कमजोर कर दिया, उसका नतीजा भुगता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अच्छे काम के चल रहे होंगे, उन और ज़्यादा तेज गति से चलाने का प्रयास करेंगे, ये मैं सोच कह सकता हूँ। सर, लोकसभा के लिए पुराने नेता हैं प्रदेश के, जोशी जी ने अलग अलग पदों पर रहकर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, न सिर्फ राजस्थान में लेकिन देश भर में, और आज उनका चुनाव होगा और सभी दलों ने, सभी लोगों ने मिलकर उनका नामांकन करा है। सर्वसम्मति से अगर उनका चुनाव होता है तो बहुत अच्छी बात मैं समझता होगी। और सीपी जोशी जी ने अपने सारे जीवन के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में और गैर राजनीतिक क्षेत्र में जो अलग अलग पहलुओं से अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाया है और एक अहम भूमिका निभाई है, मुझे पूरा विश्वास है कि सदन का विश्वास उनको हासिल होगा और वो बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे सदन को चलाने में सक्षम होंगे और कामयाब होंगे। मेरी सभी शुभकामनाएं उनके साथ। विधायकों की बैठक में आगामी रणनीति पर भी चर्चा होगी, मीटिंग होगी, उसमें चर्चा होती है, देखते क्या निकलता है।